अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान फैक्ट्री वाला और मेरा बेसिकली काम है कि मैं लोगों को फैक्ट्रियाँ लगाना सिखाता हूँ। अभी तक मैं 150 से ज़ायद अपनी केमिकल फार्मूलेशन कर चुका हूँ और लोगों को केमिकल फार्मूलेशन सिखाता हूँ। R&D केमिस्ट हूँ और सोशल मीडिया पे इस वक्त मैं प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ मुखातिब होता हूँ और लोगों को यही मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्रीज लगाना सिखाता हूँ, जिनमें से आज की जो फैक्ट्री लगाना मैं सिखा रहा हूँ वो है कि नर्सरी की फैक्ट्री कैसे लगाएं, जो कि पूरे मुल्क का एक कॉमन मसला है। उस मसले का हल इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा और इस कोर्स से मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क का ये जो कॉमन मसला है क्या, वो है दरख्त लगाना। कि दरख्त पाकिस्तान में लगने चाहिए, क्यों नहीं, क्यों लगने चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क को माइनस कार्बन होने के लिए 35% यानी कि दरख्त लगाना ज़रूरी होता है, यानी कि ग्रीन होना चाहिए। लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त 2.1% टोटल यानी कि ग्रीनरी के लिहाज से 2.1% है। तो इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, बहुत से माहौली आलूदगी पैदा होती है, उसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इस पर मैं नहीं जाता। बहरहाल इसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन है कि आप नर्सरी की फैक्ट्री लगाएं, यानी नर्सरी फैक्ट्री लगाएं। तो आज का हमारा ये जो कोर्स है, कोर्स यही है कि नर्सरी फैक्ट्री कैसे लगाएं। तो इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह और इसमें आपको कंप्लीट मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा कि नर्सरी फैक्ट्री आप कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगेगी और इसके फ़ायदे क्या होंगे, ख़र्चा क्या आएगा, हम इसको लगाने से किस किस्म के मसाइल, सब कुछ इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ।